देवोटी की सरजमीन पर होने जा रहे हैं। अगर ऐसा बात है तो जरा सा विदाई का सबूत दे और बोलते यार रसूलल्लाह, क्योंकि आप जानते हैं एक चौराहे पे एक इंसान दो सर्जन एक चौराहे पे दो सर्जन खड़े थे। एक शख्स लड़ाते हुए उधर से आया, एक सर्जन बोल रहा है कि देख इसका घुटना टूट गया, दूसरा सर्जन कह रहा है इसका घुटना टूट गया, दोनों लड़ गया। वो करीब आया, बोला डॉक्टर साहब मेरा घुटना घुटना नहीं टूटा बल्कि मेरा जीवन छूटा, जैसे मैं हो जाते हैं, ये कहानियां हो जाती है, लेकिन हमें उन कहानियों को दोहराना नहीं है बल्कि हम अभी की बात पंक्ति में बैठ के आज यहाँ से एक पैगाम ले रहे हैं कि हमारा ईमान, हमारा इल्हाम, हमारा जो कुछ इस्लाम धर्म बताता है और जो कुछ हमारा मजहब इस्लाम बताता है, इस चीज को यहाँ से लेकर के हमें अपने दिलों में जागरूक कर देना है और से मोहब्बत करने वालों, दुनिया से दुनिया के रंगीनियों में खोने वालों, दुनिया के आशिकों सुन लो, पैगंबर आजम सहाबा इकराम के दरमियान कहीं गुजर रहे हैं, आका करीम क्या कहते हैं कि रास्ते में एक पोशीदा लिबास पड़ा था, पोशीदा हड्डी पड़ी हुई है, मेरे आका उठाते उस हड्डी को और फरमाते हैं ए लोगों सुनो, ये दुनिया पुरान लिबास बताते हैं, ये खूबसूरत लिबास हट्टी उठाते हैं और फरमाते हैं एक दिन ये खूबसूरत इंसान था लेकिन इस दुनिया की मोहब्बत ने इसे, दुनिया से मोहब्बत मत करो बल्कि मर के जिंदा भी खुद रहा करते हैं, मर के जिंदा भी रहा करते हैं, खुद जनाजे की इमामत भी किया करते हैं, बोल उठे बादे जनाजा यही कलियन के फकीर अपनी तस्वीर के दाने को जो सटा देते हैं फिर तो वो मुर्दा परिंदों को उड़ा देते हैं, ये मोहम्मद के गुलामों की फकत ताकत है, बहते दरिया पे मुसल्ला को जो मोहम्मद के गुलामों की फकत ताकत है, बहते दरिया पे मुसल्ला को उठा देते हैं। अब नारे के साथ हजरत का इस्तकबाल कर ले, नारे मुस्तफा से प्यार करो, सलील होके मरोगे मुखालिफ करके, भलाई चाहो तो इल्मो इरफान के चट्टान से डर लगता है, तीनों सुन्नत के निगहबान से डर लगता है, शेर से जैसे